Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. His Excellency Ambassador Yao Jing, Ambassador Designate, Dr. Mukhtar Ahmed, Chairman Higher Education Commission, Mr. Mark Schumann, and Management of Huawei, Vice Chancellors, dear students. For the benefit of audience outside this hall, I will speak first in Urdu and then say a few words in English to speak with the honorable guests we have. Sabse pehle to main Huawei ko mubarakbad dunga aur Higher Education Commission ko ke unhone Huawei ICT skill competition ke zariye Pakistan ki universities se talent ko chuna aur unhein mauka diya कि वो चाइना में हवावे की हेडक्वार्टर में जाके अपने स्किल्स को मजीद चमका सकें और तरक्की कर सकें. ख्वातीन हजरात, जैसा कि आप जानते हैं कि इंसानी तारीख में हमेशा टेक्नोलॉजी ने बेहद अहम किरदार अदा किया है. सबसे पहली टेक्नोलॉजी जिसने ट्रांसफॉर्मेशनल इम्पैक्ट पैदा किया वो स्टीम इंजन था. उसने एक नए अहद की बुनियाद रखी. उसके बाद फिर बिजली और फिर टेली मवासलात ने इंसान की तमद्दन को, इंसान की मईशत को बहुत हैरत अंगेज अंदाज से तब्दील किया और इन इनोवेशन्स ने एक सनती दौर की बुनियाद रखी जिसे हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एज कहते हैं. लेकिन 20वीं सदी के इख्तिताम पर एक नई टेक्नोलॉजी जहूर में आई जो कि आज नए अहद की बुनियाद रख चुकी है. ये टेक्नोलॉजी जिसे हम डिजिटल टेक्नोलॉजी कहते हैं और जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे मबनी है और इसके साथ चंद दीगर टेक्नोलॉजीज मिलकर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जमाने को शुरू करना चाह रही हैं. इंसानी तारीख में ये वो दौर है जो सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता भी है लेकिन सबसे ज्यादा गैर यकीनी भी है, क्योंकि इल्म और टेक्नोलॉजी के इनोवेशन की शरह जो आज पहुंच चुकी है ये कभी इंसानी तारीख में इस कदर नहीं थी. जो आज की इन्वेंशन है वो कल ऑब्सोलीट हो जाती है. लिहाजा हम एक मुस्तकिल डिसरप्शन और इनोवेशन के अहद में दाखिल हो चुके हैं. लिहाजा आज किसी भी मुल्क के लिए उसकी साइंटिफिक इनोवेशन, उसकी साइंटिफिक प्रोग्रेस उसके मुस्तकबिल की जमानत है. अगर कोई मुल्क, कोई तहजीब साइंस टेक्नोलॉजी की रिसर्च में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इनोवेशन में खुद को मजबूत नहीं करेगा तो वो तरक्की के सफर में कामयाब नहीं हो सकता. इसके लिए 2013 में जूं ही हम हुकूमत में आए तो हमने पाकिस्तान को एक जदीद मईशत में ढालने के लिए विजन 2025 को हतमी शक्ल दी, जिसके तहत ये हदफ रखा कि इंशाल्लाह पाकिस्तान को हम 2025 तक दुनिया की पहली 25 मईशतों में लेकर आएंगे. जब हमने ये हदफ रखा तो हमारे बुकरातों और सुकरातों ने जो शाम को टीवी पे बैठ के मायूसी फैलाते हैं, और मुझे लगता है कि शायद ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज के एजेंट्स हैं कि जो कौम को ट्रैंक्विलाइजर्स पे लगाना चाहते हैं, इन्होंने हमारा मजाक उड़ाया कि ये कैसे मुमकिन है कि जिस मुल्क के अंदर 20 घंटे बिजली नहीं है, जिस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का राज है, आप उस मुल्क को अगले 12-14 सालों में पहली 25 मईशतों में दाखिल होने की ख्वाब दिखा रहे हैं. लेकिन मेरे नौजवानों, आपने देखा कि वो मुल्क जहां पर 20 घंटे बिजली नहीं आती थी और इतनी बिजली नहीं आती थी कि आप यूपीएस को चार्ज कर सकें,
और लोग मोमबत्ती जलाने पे मजबूर हो गए थे, आज उस मुल्क के अंदर हम लोड शेडिंग को शिकस्त देने में कामयाब हो चुके हैं और 4 सालों में 10,000 मेगावाट नई बिजली सिस्टम में पैदा करके एक रिकॉर्ड बनाया है। चूंकि 66 सालों में हमने सिर्फ 16,000 मेगावाट बिजली बनाई थी, तो आप अंदाजा कीजिए कि 66 सालों में 16,000 और 4 सालों में 10,000 मेगावाट। तो आज अंधेरे अल्हम्दुलिल्लाह छट चुके हैं। जहां महदूद लोड शेडिंग है वो उस जगह है जिन फीडर्स के ऊपर चोरी है, लेकिन जिन फीडर्स पे इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट नहीं है, जो कि 65% के करीब है, वहां आज अल्हम्दुलिल्लाह जीरो लोड शेडिंग आ चुकी है। इंडस्ट्री को पिछले 1.5 साल से अनइंटरप्टेड पावर मिल रही है। इंडस्ट्री को जो कि बंद हो गई थी, उसको गैस नहीं मिलती थी, आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री चालू हो चुकी है। और आपने देखा कि घरों में भी जो 4 साल पहले सर्दी आते साथ ही तमाम चूल्हे बंद हो जाते थे, वहां पे जो नए एलएनजी के टर्मिनल्स लगे हैं और सप्लाई लगी है, उससे तवानाई की सूरत बेहतर हो चुकी है। तो पाकिस्तान ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। इसका नतीजा ये है कि आज हम 5.3% ग्रोथ रेट क्रॉस कर चुके हैं, जो पिछले साल हमारी 10 सालों में हाईएस्ट ग्रोथ रेट थी, और इस साल हमें उम्मीद है कि हम 6% के करीब जरूर पहुंच जाएंगे, जो हमारा हदफ था। और अगर मुल्क के अंदर सियासी बेयकीनी और बहरान पैदा ना किया गया होता तो वी वर वेरी कॉन्फिडेंट कि जो मोमेंटम बन रहा था, वी कुड हैव इवन डन क्लोज टू 6.5% जीडीपी ग्रोथ रेट, जिस किस्म का एक मोमेंटम मुल्क में बन गया था। लेकिन स्टिल वी होप के वी शुड बी एबल टू डू क्लोज टू 6%। साथ ही साथ हमने इस नए दौर के लिए नौजवानों को, हमारे सबसे बड़ा पाकिस्तान का एसेट हमारा यूथ है, इसकी डिजिटल एम्पावरमेंट के लिए कई साल पहले लैपटॉप स्कीम शुरू की थी, जिससे आज तकरीबन 1 मिलियन से ज्यादा नौजवान हैं जिनको ये लैपटॉप दिया जा चुका है। और इस एम्पावरमेंट का नतीजा है कि टुडे पाकिस्तान हैज इमर्ज्ड एज द 4th बिगेस्ट ई लर्निंग कंट्री इन द वर्ल्ड, के जिसके सबसे ज्यादा नौजवान फ्रीलांस आईटी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं दुनिया के अंदर, और मुल्क के लिए जर मुबादला भी कमा रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि जो हमारा फैसला था कि नौजवानों को एम्पावर किया जाए और इनको डिजिटल टेक्नोलॉजी से लेस किया जाए तो ये पाकिस्तान का परचम दुनिया में रोशन करेंगे, वो इतमाद हमारा दुरुस्त था और नौजवान उस एतमाद पे पूरे उतरे। इसी तरह कई सालों से पाकिस्तान में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को नज़रअंदाज किया गया, हमने आते साथ 3G और 4G की लाइसेंसिंग की और उसकी मुल्क के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया, जिसका नतीजा यह है कि आज पाकिस्तान आईटी सेक्टर में 5G टेक्नोलॉजी के लिए तैयार खड़ा है। जो ही वो कमर्शियली लॉन्च होगी, पाकिस्तान विल बी अमंग द टॉप फर्स्ट कंट्रीज हु विल एम्ब्रेस 5G टेक्नोलॉजी। इसी तरह हमने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ हुंजराब के जरिए फाइबर ऑप्टिक केबल ले की है, जो हमें नई बैकबोन दे रही है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो सीपैक में सिर्फ हाईवेज और मोटरवेज नहीं बन रहे, बल्कि इंफॉर्मेशन मोटरवे भी बन रही है, जो फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए चीन और पाकिस्तान के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ेगी और हमारी डिजिटल कनेक्टिविटी को बहुत ज़्यादा उसमें तरक्की देगी। तो इस हवाले से जैसे मैंने आपसे कहा कि आज हम एक ऐसे दौर में हैं कि जिसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी जो इम्पैक्ट सोसाइटी पे और इकोनॉमी पे डाल रही है, दुनिया में आज तक किसी टेक्नोलॉजी ने उस अंदाज में असर नहीं डाला। हमारा फर्ज है कि हम इस रेवोल्यूशन को एम्ब्रेस करें और अपने नौजवानों को इसके लिए तैयार करें, और हमारा ये भी फर्ज है कि हम इस दौर के अंदर पाकिस्तान को इक्तसादी तौर पे मजबूत करें।
पाकिस्तान की मईशत के इंजन को तेज करें, क्योंकि 21वीं सदी सियासी नजरियात की सदी नहीं है, ये इक्तसादी नजरियात की सदी है। चीन ने इस बात को साबित किया है। आज चीन की ताकत इस बिना पे है कि उसने खुद को मजबूत इक्तसादी कुवत में डाला है। आज चीन दुनिया के लिए एक मशले राह है, लेकिन उस इक्तसादी तरक्की के पीछे चीन ने अमन और इस्तेकाम का रास्ता अपनाया है, क्योंकि तरक्की के लिए अमन और इस्तेकाम नागुजीर होते हैं। जिस मुल्क के अंदर अमन और इस्तेकाम कायम नहीं किया जाएगा, वहां पर आप दुनिया के बेहतरीन दिमाग ला के बिठा दें, वो भी फेल हो जाएंगे। लिहाजा हमें इस मुल्क के अमन और इस्तेकाम को प्रिजर्व करने की जरूरत है, और 20 करोड़ अवाम को इस अमन और इस्तेकाम की हिफाजत करने की जरूरत है, क्योंकि चंद कुवतें पाकिस्तान की तरक्की को रोकने के लिए अदम इस्तेकाम पैदा करना चाहती हैं, पाकिस्तान में दोबारा बेयकीनी फैलाना चाहती हैं, और दुनिया को यह तासुर देना चाहती हैं कि पाकिस्तानी लोग नहायत ही बेयकीन किस्म के लोग हैं। यहां पर पता नहीं किस किस्म के ग्रोह किस किस्म की हालात पैदा करके इस रियासत को तलपट कर सकते हैं। हम पाकिस्तान का इमेज वो नहीं बनाना चाहते जो फैजाबाद के ऊपर धरना देने वालों ने दुनिया को बनाया था। हम पाकिस्तान का इमेज इन नौजवानों को बनाना चाहते हैं जो आईटी के मैदान में और इनोवेशन के मैदान में पाकिस्तान की शनाख्त है और पाकिस्तान की ताकत है। दिस इज द पाकिस्तान ऑफ विच वी आर प्राउड। दिस इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान कि हमारे पास इनोवेशन है, हमारे पास नौजवान जहन है, हमारे पास मुस्तकबिल के लिए साइंस के मनसूबे हैं। इस इमेज के साथ हम पाकिस्तान को दुनिया में मुतारफ कराना चाहते हैं। बदकिस्मती से हमारा मुल्क 70 सालों में साजिशों से नहीं निकल सका, सिविल हुकूमतों को काम करने का मौका नहीं दिया जाता रहा। यह कोई हादसा नहीं कि 70 सालों में एक भी वजीर आजम इंसान का बचा नहीं था। सब वजीर आजमों को किसी को कत्ल किया, किसी को चोर बनाया, किसी को डाकू बनाया, किसी को कुछ किया, और डिक्टेटर आके 11-11 साल बैठे रहते हैं और मुल्क की तबाही करके चले जाते हैं, और फिर सियासतदानों को कहते हैं कि आप इस मुल्क को ठीक करें। आप आके कभी मशरकी पाकिस्तान तोड़ दिया, कभी बलूचिस्तान के अंदर आग लगा दी, कभी सिंध के अंदर आग लगा दी, और फिर जमहूरियत आके उसको मरम रखती है, और फिर जमहूरियत के खिलाफ साजिशें करके बदनाम भी किया जाता है। आज 20 करोड़ अवाम को खत्म नबूवत पे कोई झगड़ा नहीं है। हम सब मुसलमान हैं, हम सब खत्म नबूवत पे यकीन रखते हैं। खत्म नबूवत तो नारा है, खत्म हुकूमत की साजिश है, बात कुछ और है इसके अंदर। तो ये खेल खेलने का अब वक्त नहीं है, अब वक्त है मुकाबले का। हमने दुनिया की दूसरी कौमों के साथ मुकाबला करना है। दुनिया की कौमें इस्तेकाम के ऊपर, स्टेबिलिटी के ऊपर, इनोवेशन के ऊपर आज आगे बढ़ रही हैं, और हमारे एजेंडाज क्या हैं? हमारी शाम की टीवी की बहस सुने, हमारे ये जो जमातों के धरने सुने, किन इश्यूज के ऊपर है? क्या ये इश्यूज हैं? ये पाकिस्तानी कौम के इश्यूज नहीं है, चूंकि हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हम सब अल्लाह पे भी यकीन रखते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी यकीन रखते हैं, और खत्म नबूवत पे भी यकीन रखते हैं। कोई हमें ये नहीं कह सकता कि कोई बड़ा मुसलमान है, कोई छोटा मुसलमान है। ये फैसला कौन बड़ा मुसलमान है, कौन छोटा मुसलमान है, ये अल्लाह ताला ने क्यामत के दिन करना है। और अगर अल्लाह के फैसले हमने ले लिए अपने हाथ में, फिर तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले फसाद होगा। तो इसलिए ये पाकिस्तान के नौजवानों का फर्ज है कि इस पाकिस्तान का पहरा दें जिसको लोग पीछे लेके जाना चाहते हैं। आज हमारे पास पीर साहिबान की बड़ी कदर है, लेकिन हमारे पास पीर साहिबान की कमी नहीं हो गई, हमारे पास मुफ्ती साहिबान की भी कमी नहीं है। वो तो शायद सरप्लस हैं। जितने फतवे आज हमारे यहां दिए जाते हैं, इतने फतवे दुनिया के किसी मुल्क में नहीं दिए जाते, लेकिन कमी है तो किसकी है? इब्ने सीना की कमी है। कमी है तो किसकी है? इब्ने हैतम की कमी है। कमी है तो किसकी है?
अबू रेहान अल बेरूनी की कमी है, वो नहीं पैदा होता। कमी है तो किसकी है? अल ख्वाराज़मी पैदा नहीं होता। क्यों वो साइंसदान नहीं पैदा होते जो फादर ऑफ फिजिक्स कहलाते थे, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहलाते थे, फादर ऑफ अलजेब्रा कहलाते थे? हमने उनको पैदा करना बंद कर दिया है तो आज दुनिया में हमारी ठुकाई हो रही है। अभी आज हर कोई बात कर रहा है कि जी अमेरिका ने जेरूसलम में दारुल अपना एम्बेसी को शिफ्ट कर दिया है, और यकीनन ये बहुत काबिले मुजम्मत फैसला है, हम उसकी मुजम्मत करते हैं, लेकिन इसके साथ ठंडे दिल से ये भी सोचना चाहिए कि आखिर इतने बड़े इस्लामी ममालिक हैं, इतनी बड़ी मशरक़ वुस्ता में दूसरी आबादी है, अरब आबादी है, उस सब को नज़रअंदाज करके अमेरिका ने ये फैसला क्यों किया? तो कुछ हकायक मैं आपको पेश करना चाहता हूं। इसराइल ने 2016 में 1328 इन्वेंशंस रिपोर्ट की, 2015 में उनके 540 इंटरनेशनल, जो के 2016 में उन्होंने 813 किए, 51% इंक्रीज किया। मुसलमान मुल्कों ने इसके मुकाबले में क्या किया? उनकी कुल आबादी 8.5 मिलियन है, 85 लाख की आबादी है कुछ कुल। उस 85 लाख की आबादी में उनके जो पेटेंट्स फाइल करने की शरह है वो तकरीबन 440 मिलियन के ऊपर एक पेटेंट फाइल करते हैं, और इसमें वो जापान और अमेरिका के साथ हम पल्ला है जो पर मिलियन पेटेंट की शरह है। और जो मुसलमान ममालिक है उनका हालत ये है कि जहां इसराइल 4.7% रिसर्च पे खर्च करता है, मुसलमान अरब ममालिक जो है उसके साथ वो 0.2% खर्च करते हैं। इसी तरह तेल अवीव यूनिवर्सिटी ने 161 पेटेंट्स फाइल किए, विजमैन इंस्टीट्यूट ने 158 पेटेंट्स फाइल किए, टेक्नियन ने 137 और हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम ने 116 पेटेंट्स फाइल किए। उन 85 लाख की आबादी में हम 20 करोड़ का मुल्क है, हमने टोटल मुल्क ने उतने पेटेंट फाइल नहीं किए जितनी एक यूनिवर्सिटी ने इसराइल के अंदर पेटेंट्स फाइल किए। क्या वजह है इसकी? क्या अल्लाह ताला ने हमें दिमाग नहीं दिए? क्या अल्लाह ताला ने हमें यह सोच नहीं दी कि हम भी तहकीक करें, हम भी रिसर्च करें? इसके ऊपर कोई मौलवी साहब खिताब नहीं करते, इसके ऊपर कोई पीर साहब सोई हुई कौम को नहीं जगाते कि वो मुसलमानों उठो, तुम इसलिए पीछे रह गए हो कि साइंस और टेक्नोलॉजी में पीछे रह गए हो। लेकिन एक दूसरे से लड़ाने के लिए, एक दूसरे को फतवे देने के लिए, एक दूसरे को हराम और हलाल समझाने के लिए तो हम सब टीवी के ऊपर बैठ के तकरीरें भी करते हैं और पता नहीं क्या कुछ झगड़े करते हैं। आज धरने इस बात पे देने की जरूरत नहीं है कि खुदा ना खास्ता इस्लाम को खतरा पड़ गया। आज हम सबको जो धरना देना चाहिए वो इसमें रहना देना चाहिए कि हम सब मुसलमान साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे रह गए हैं, जो हमारी किसी जमाने में पहचान होती थी। चाइना पे आ जाइए, वो हबीब जालिब ने एक शेर कहा, मुझे शेर याद नहीं है लेकिन उसका मफहूम कुछ इस तरह है कि चीन हमारा दोस्त है और हमको उस पर बहुत नाज है, लेकिन चीन का जो निज़ाम है उसको दूर से सलाम है। पाक चीन दोस्ती के नारे लगाएं और उस पर तकरीरें करें, लेकिन चीन से सीखें कुछ ना कि उन्होंने ये तरक्की कैसे की है। दुनिया में 2015 में 2.9 इन्वेंशंस हुई, 2.9 इन्वेंशंस वर रिपोर्टेड बाय वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो वाइपो है, उसने 2.9 मिलियन
रिपोर्ट की इन्वेंशन जो पेटेंट के लिए फाइल हुई और उसमें 1 मिलियन पेटेंट्स वर फाइल्ड बाय चाइना अलोन. सो चाइना इज राइजिंग टुडे बिकॉज चाइना टुक अप द चैलेंज ऑफ कंपीटिंग ऑन इनोवेशन फ्रंट. चाइनीज जो पेटेंट्स हैं एप्लीकेशंस दे सर्ज्ड 45% इन 2016. एंड वाइपो का ख्याल है, वर्ल्ड जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की ऑर्गेनाइजेशन है उसका ख्याल है कि 2 सालों में या 3 सालों में चाइना जापान और अमेरिका को पीछे छोड़ जाएगा और दुनिया में नंबर 1 इनोवेशन की कंट्री बनने के रास्ते पे गामजन है. ये वो रास्ता है जिसको हमें फॉलो करना है. हमें एक दूसरे के सर फाड़ के, एक दूसरे को टांगे खींच के, एक दूसरे को चोर चोर कह के, मुझे ये बताएं कि ये मुआशरा है, इस मुआशरे के अंदर कभी ऐसा हुआ है कि एक तालाब हो, उस तालाब के अंदर आप कहें कि ये मछली तो बड़ी करप्ट है, ये मछली बड़ी फरिश्ता है. उस तालाब का जो पानी है वो सबके लिए एक जैसा होता है. तालाब में आप कभी ये नहीं कर सकते कि कोई मछलियों को साफ रखें अगर पानी गंदा है और बाकी मछलियां गंदी हो जाए. इस मुआशरे के अंदर हम सब अगर इस मुआशरे के रहने वाले हैं तो उतने ही अच्छे भी हैं जितना कोई और अच्छा है और उतने ही बुरे भी हैं जितना कोई और बुरा है. इसी तरह दुनिया के अंदर पाकिस्तानी कौम उतनी ही अच्छी है जितनी कोई और कौम अच्छी है और उतनी ही बुरी भी है जितनी कोई और कौम बुरी है. वी आर ए नॉर्मल नेशन. हमें हर वक्त मनफी बातें करके और ये सिखा के कि शायद हम ही दुनिया की सबसे बड़ी चोर कौम है, ये हमारी इज्जत नफ्स को मजरू किया जाता है. पाकिस्तानी सियासत उतनी ही ऑनरेबल है जितनी हमारे हमसाया मुल्क में या उससे आगे हमसाया मुल्क में है. हिंदुस्तान की सियासत को कोई हमारे मुकाबले में 4 चांद नहीं लगे हुए. और मैं ये बात दावे से कह सकता हूं कि जितना क्राइम और करप्शन हमारे हमसाया मुल्क की जमहूरियत के अंदर है शायद हमारा उसका 10वां हिस्सा भी नहीं है. लेकिन 70 साल में कभी उस अमल को तो खलल वाकया नहीं हुआ. नतीजा क्या है कि वो मुल्क आज भी अपनी असली हालत में खड़ा है जिसमें 1947 में उसने हमारे से ज़्यादा तजादात की वजह से शुरू किया था और हम आधा मुल्क गंवा गए और बाकी के पीछे पड़े हुए हैं कि ये असल हालत में क्यों कायम है, ये क्यों नहीं टूटता. और तो बात यह है कि मुल्क चलते हैं अवाम की शराकत से, मुल्क चलते हैं अवाम की शमूलियत से और मुल्क चलते हैं अपने सियासी इस्तेहकाम से. ये वो फ्रंटियर्स हैं कि जिनकी हमें निगरानी करनी है. 70 साल हम ज़ाय कर चुके हैं, मजीद हम तजुर्बे नहीं कर सकते. अब ये मुकाबले की सदी है, हमें आगे बढ़ना है और जो पिछली लेट है उसको निकालना है. तो मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह ताला आप सब नौजवान जो मेरिट के ऊपर सिलेक्ट हुए हैं आप चीन में जाके पाकिस्तान का झंडा बुलंद करेंगे और आप ही में से फ्यूचर के इंशाल्लाह ताला बिल गेट्स पैदा होंगे, आप ही में से फ्यूचर में फेसबुक और अलीबाबा जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स कायम करने वाले नौजवान आएंगे. क्योंकि इस डिजिटल टेक्नोलॉजी की सहूलत यह है, इसमें आपको पैसे की जरूरत नहीं है, इसमें आपको ब्रेन पावर की जरूरत है, इसमें आपको मसल पावर की जरूरत नहीं है, इसमें आपको अपने क्रिएटिव जूस की जरूरत है. और अगर किसी नौजवान के पास जीनियस है और किसी नौजवान के पास उसके क्रिएटिव सलाहियतें हैं तो हमारा फर्ज है कि हम उसको एम्पावर करें, हम उसको सपोर्ट करें ताकि आप में से हर नौजवान अपने ख्वाब को हकीकत बना सके. और हमने हायर एजुकेशन कमीशन से कोशिश की है पिछले 4 सालों में, जिसकी एलोकेशन 13 अरब से बढ़ा के हम तकरीबन 35 अरब पे ले आए हैं. हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कैंपस बना रहे हैं जिसमें जदीद शोबे मुतारफ करा रहे हैं ताकि किसी पसमानदा इलाके का नौजवान भी तरक्की से पीछे ना रहे. हर लड़के और लड़की को हायर एजुकेशन का राइट मिले. चाइना के साथ
हमने पार्टनरशिप बढ़ाई है और इस वक्त तकरीबन 18 से 20 हज़ार नौजवान चाइना के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं, जिसमें तकरीबन 3,000 PhD कर रहे हैं। इसी तरह अमेरिका के साथ US पाकिस्तान नॉलेज कॉरिडोर बना रहे हैं, जिसमें अगले 10 सालों में 10,000 PhDs के लिए स्कॉलरशिप्स देंगे ताकि बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज से हमारे नौजवान पढ़ के आएँ। बरतानिया के साथ UK पाकिस्तान नॉलेज गेटवे बना रहे हैं ताकि बरतानिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों से हमारे नौजवान पढ़ के आएँ और पाकिस्तान की तरक्की के अंदर हिस्सा लें। 1,00,000 पाकिस्तानी नौजवानों को हम अभी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का जो ERP सिस्टम है उसकी ट्रेनिंग, जिसमें SAP और Oracle के मॉड्यूल शामिल हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए फाइनेंस करने की स्कीम लॉन्च करने जा रहे हैं इस साल, और ये 1,00,000 नौजवान की ट्रेनिंग हुकूमत उसका खर्चा बर्दाश्त करेगी, इनको हम ट्रेन करेंगे ताकि ये IT सेक्टर के अंदर फैले और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। इसी तरह 4 सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस, फर्स्ट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेकंड इन साइबर सिक्योरिटी, थर्ड इन डेटा, बिग डेटा एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, एंड फोर्थ इन ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, उनको कायम किया जा रहा है, जिनकी 1 अरब रुपए मालियत होगी, ताकि पाकिस्तान इस लीडिंग एज ऑफ नॉलेज के अंदर अपनी सलाहियत को पैदा करे। लेकिन ये सब मंसूबे तब कामयाब होंगे जब हम इस मुल्क के अंदर इस्तेहकाम को और पॉलिसीज के तसलसल को यकीनी बनाएंगे। अगर हम T20 खेलते रहेंगे तो फिर T20 में तो जुआ होता है, या आज की जीत कल की हार होती है। जो मुस्तकिल मैदान है वो टेस्ट क्रिकेट है। डेवलपमेंट इज नॉट T20, डेवलपमेंट इज टेस्ट क्रिकेट। यू हैव टू हैव द पेशेंस, यू हैव टू हैव कंटिन्यूटी, एंड यू हैव टू हैव परसिवियरेंस। अगर वो नहीं होगी तो फिर वो तरक्की का सफर अधूरा रह जाता है। सो इन द एंड लेट मी थैंक आवर चाइनीज फ्रेंड्स फॉर एक्सटेंडिंग दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू आवर यूथ हु इज मोस्ट टैलेंटेड एंड इज सेकेंड टू नन। And I am always very pleased to hear whenever Pakistani youth participates in international competitions, they make us all very proud and they show their talent and they show their creative skills by beating all teams in the world from best universities. So I am also very proud that today the first prize went to my own university, University of Engineering Technology Lahore. Well done, UET Lahore. I also hope others will do equally well. So best wishes to all of you, and let me just say that all of you who will go to China, always remember that you are ambassadors for your country, and make us proud with your work, and from morning till evening conduct yourself in a manner that you make more friends for Pakistan, and you tell people that how good we are, and how hospitable Pakistani people are and how courteous they are. So I wish you well. Pakistan zindabad, Pak Chin dosti zindabad.